सो यो व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हो भाई। आज सोलो ग्रैंड मास्टर पुशिंग की वीडियो में ना आज आपको पेशेंस की वैल्यू पता चल जाएगी, जिससे आप भी बुया निकाल सकते हो। और गेम प्ले भी जो है ना, मैं आज आपको अलग तरीके से दिखाऊंगा, जिसे देख के ना भाई आपको मजा आ जाएगा। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। और इससे पहले जो है मैं अपनी रैंक दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं मेरी रैंक जो है 17,400 के आसपास है। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे ना सीधा मैच की तरफ चलते हैं। सो ये हमारा पहला मैच जिसमें बर्मिडा आया होता है, और इसमें जो है मैं हमेशा कटुलिस्टिवा की तरफ उतरता हूँ। तो लैंड करते ही जो है यहाँ पे कोई बंदा तो नहीं कूदा होता, लेकिन ऊपर की तरफ ना दो बंदों की लड़ाई की जो है रेड मार्क आ रहा था। तो मैं जो है ऊपर की तरफ तात्सुया लगा के जो है बढ़ता हूँ, और सामने की तरफ जो है वॉल लगी होती है, और एक बंदा इस घर से निकलता है, जिसको जो है मैं बॉयजन से भाई बॉडी बॉडी और हेडशॉट के साथ जो है किल कर लेता हूँ। अब यहाँ थोड़ा लूटने के बाद जो है मैं फिर से वापस कटुलिस्टिवा की तरफ चला जाता हूँ। एंड एल शेप में जब मैं ऊपर की साइड आता हूँ तो एक बंदे की मुझे आवाज आती है, जिसको जो है मैं थोड़ा सा डैमेज करता हूँ। एंड नीचे कूद के जो है आगे की तरफ बढ़ता हूँ, और ये बंदा जो है खिड़की से बाहर निकल रहा होता है, और इसे क्या ही भाई हेडशॉट के साथ जो है फिनिश कर देता हूँ। अब 200 टोकन तो मेरे को किल करने पे मिल जाते हैं, बाकी 600 टोकन जो है मेरे को ये कॉइन टोकन से लूटने से मिल जाते हैं। लेकिन मैं जो है आरिजिनल बाई नहीं करता, क्योंकि मेरी जो है लेवल 3 की M4A1 बनी ही होती है। तो मैं जो है नॉर्मल आइटम जैसे कि स्कोप और हेलमेट थिकनर खरीद लेता हूँ, और यहाँ पे बंदे तो होते नहीं है, तो मैं जो है एल शेप में जो है पूरा सर्वाइव करता हूँ। पहला जोन जो है खत्म हो ही रहा था, मेरे को एक बंदे की आवाज आती है, और वो जो है आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, तो इसको जो है मैं थोड़ा डैमेज कर देता हूँ। और ये अंदर की तरफ से होता है, तो यहाँ पे जो है वॉल लगा लेता है। तो चलो इसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमने इसको डैमेज भी कर रखा है। तो ये यहाँ पे भी वॉल लगा लेता है, लेकिन इस साइड से जो है मैं इसको इजी पीजी बॉडी बॉडी करके मार देता हूँ। मतलब यार जब आपको ऐसे एकदम से कभी डैमेज पड़ जाए ना, तो कोशिश किया करो कि उस बंदे की लोकेशन जानने के लिए या जो है पैक कर लिया करो। तो यहाँ पे जो है मेरे 3 किल हो जाते हैं। जैसे ही फर्स्ट जोन के बाद आगे की तरफ मुझे जो है जोन दिखता है, तो मैं जो है उसकी तरफ बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ते बढ़ते जो है मेरे को ये घर में जो है सर्वाइव करना सही लगता है, तो मैं जो है इस घर में थोड़ा होल्ड करता हूँ। इतने में जो है यहाँ पे UAV आ जाता है, और मुझे पता चलता है कि मेरे आगे ही बिल्कुल एक बंदा है। तो मैं जो है थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करता हूँ, और भाई एकदम से ना यहाँ पे गाड़ी आ जाती है, और वहाँ जो है उन दोनों की जो है फाइट होने लग जाती है। तो मैं फटाफट से ऊपर की तरफ बढ़ता हूँ, और एक बंदे को तो पीछे से जो है बॉडी बॉडी मार के जो है फिनिश कर लेता हूँ, और दूसरा बंदा भी जो है यहाँ पे ही है, तो थोड़ा उसकी तरफ जो है रश करते हैं, और यहाँ पे भी जो है मैंने उसको डैमेज किया होता है। लेकिन इतने में जो है मेरे को एक M8 2B का शॉट पड़ जाता है, तो मैं जो है पीछे की तरफ कवर ले लेता हूँ, और देखता हूँ वो कहाँ पे है। इतने में इस बंदे को भी जो है वो मार देता है, और आगे की तरफ देखता हूँ तो वो जो है आ रहा होता है, जिसको जो है मैं हेडशॉट मार के सोनिया बना देता हूँ, और ये लिटरली एक ग्रीन क्रिमिनल होता है, और इसको जो है इजी बीजी मार देता हूँ, और यहाँ पे जो है मेरे भाई 5 किल हो जाते हैं। अब इन तीनों डेथ बॉक्स को जो है मैं फटाफट से लूट लेता हूँ, और फिर आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अब इस घर में आते ही जो है एक बंदे की मुझे आवाज़ आ जाती है। अब इस घर से बाहर निकलने के बाद जो है मेरे को बंदा दिखता है, और ये मेरे पे 1 टैप की ट्राई कर रहा था। इतने में जो है मैं इसे हेडशॉट से बहुत अच्छा डैमेज कर देता हूँ। अब ये जो है अपने आप को पैक कर लेता है, तो फटाफट से इस पर जो है मैं लॉन्चर फेंकता रहता हूँ, लेकिन ये बंदा जो है अपने आप को पैक ही करे जा रहा था। और जैसे ही मैं जो है थोड़ा इसकी तरफ बढ़ता हूँ, ये जो है तात्सुया लगा के फिर से इस घर के अंदर चला जाता है। तो हम भी जो है चलते हैं, और ये हमें यहाँ पे दिखता है, लेकिन ये फिर से भग जाता है। तो अब जो है इस पर रश करेंगे, लगता है बहुत ज़्यादा डैमेज है, और यहाँ पर जो है मैं इसे सोनिया बना देता हूँ, और इस पर तात्सुया होता है, तो ये मेरी तरफ बढ़ता है, लेकिन दो तरफ से जो है वॉल लगाने की वजह से ये जो है मर जाता है। तो आप भी ऐसा करा करो, जब भी कोई सोनिया वाला दिखे तो फटाफट से जो है दो तरफ से वॉल लगा लिया करो, जिससे वो बंदा थोड़ी देर में मर जाएगा। अब यहाँ पे जो है मेरे पे ढेर सारे टोकन होते हैं, तो मैं फटाफट से यहाँ से कुछ आइटम्स बाय कर लेता हूँ। थोड़ा यहाँ रुका ही होता हूँ कि एक बंदे की मुझे जो है सामने वाले घर से आवाज़ आती है, और ये बंदे की ना आवाज़ जब बंद हो जाती है, तो मैं इसकी तरफ बढ़ता हूँ, और देखते ही बंदा कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो है इसकी आवाज़ बंद हो जाती है, तो मेरे को पक्का पता था कि इस तरफ है, तो मैं जो है इस पर नेट ट्राई करता हूँ, और ये बंदा पता नहीं भाई क्या कर रहा था, आ नेट मुझे मार वाली हरकतें कर रहा था। तो ये जो है उससे नॉक हो जाता है, और इस पर दिमित्री था, तो मैं जो है ऊपर की तरफ से जो है इस पर नेट फेंकता हूँ, और थोड़ा सा वेट करने के बाद जो है ये परफेक्ट नेट जाता है, और इससे जो है ये मर जाता है। अब मैं जो है जोन में ही होता हूँ, तो मैं जो है आराम से यहाँ पे होल्ड करता हूँ। अब आगे का जोन जो है बन जाता है, और मुझे जो है यहाँ से रेड मार्क की आवाज़ भी आती है, मतलब दो बंदे जो है आपस में भिड़ रहे थे, जिनमें से एक बंदे को तो भाई मैं जो है आराम से यहाँ पे सोनिया बना देता हूँ, और एक और बंदा मुझे यहाँ पे दिखता है। और भाई यहाँ पे तो मेरा लक था कि मेरे को जो है 2 बार जो है चांस मिला इस मैच में ऐसे थर्ड पार्टी करने का। अब ये बंदा जो है आगे वाली वॉल के पास होता है, तो मैं जो है इसकी तरफ बढ़ता हूँ, और यहाँ पे जो है इसको मैं डैमेज कर देता हूँ, तो इसकी तरफ बढ़ते हैं, और ये फिर से निकलता है, तो इस बार जो है इसको MP40 से हेडशॉट से मार देता हूँ। और ऊपर की तरफ जोन होता है, तो फटाफट से उसकी तरफ बढ़ते हैं, और पीक की साइड जो है जोन बना होता है, तो यहाँ
पे जो है, मैं वैसे तो जून में आ गया था, बट मेरे को जो है ऊपर की तरफ जाना था, क्योंकि भाई यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी बहुत होती है, क्योंकि खुले एरिया में जो है आपको कभी भी नहीं रहना। तो ऊपर की तरफ जो घर है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, एंड उस घर की तरफ मेरे को बंदों का पता नहीं था, तो मैं फटाफट से पहले जो है यहाँ पे यूएवी यूज कर लेता हूँ, जिससे मुझे जो है एनिमी की पोजीशन पता चल जाती है। अब नीचे की तरफ भी जो है दो बंदे थे, तो मैं जो है उन्हें देख ही रहा होता हूँ। इतने में मुझे यहाँ से आवाज आती है पत्थरों की तरफ से, तो मैं जो है इसके ऊपर चढ़ता हूँ और एक बंदा मुझे दिखता है, जिसको मैं जो है भाई सोनिया बना देता हूँ। और अब जो है इसकी तरफ बढ़ते हैं, और ये था भाई दिमित्री यूजर, तो चलो इसकी तरफ चढ़ते हैं। और यहाँ पे जो है भाई इसको फर्स्ट उसमें तो मैं मनी मार पाया था, बट सेकंड उसमें जो है फिनिशर के साथ इसे फिनिश कर लेता हूँ। अब जैसा नीचे की तरफ बंदे थे, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ और मुझे नीचे की तरफ बंदा भी दिखता है, तो इसको जो है मैं डैमेज करता हूँ। और ये बंदा इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वॉल लगाता ही नहीं, और जाते जाते जो है इसको हेड पड़ जाता है और इसको होता है तात्सुया, तो ये जो है फिनिश हो जाता है। अब इसको मारने के बाद केवल दो बंदे बचते हैं, तो जिस घर में मैं आना चाहता था उस घर में मैं वापस आ जाता हूँ। यहाँ पे बहुत ज्यादा होल्ड करने के बाद जो है मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, जिसमें से एक बंदा तो सामने होता है और एक बंदा राइट की तरफ होता है। तो मैं जो है सामने वाले बंदे के पास आ जाता हूँ और इस पे नेट फेंक ही रहा होता हूँ। इतने में एक बंदा जो है मेरे पास आ जाता है, जिसको जो है मैं थोड़ा डैमेज करता हूँ, लेकिन इतना पास होता है तो मैं तात्सुए लगा के थोड़ा रेंज बना लेता हूँ एंड इसे फिर से डैमेज करता हूँ। इतने में वो वाला बंदा भी निकलता है, जिसे मैं जो है इजी पीजी हेडशॉट और बॉडी से मार देता हूँ। तो आखिरी का ये बंदा रह गया, ये मेरे पे जो है फिर से रश कर रहा था, तो चलो इस पे नेट फेंकते पहले तो। और जैसे ही मैं इस पे नेट फेंक रहा था, ये जो है फिर से मेरी तरफ बढ़ता है, तो चलो हम भी इसकी तरफ रश करते हैं। और जैसे ये निकलता है भाई, इसको तगड़े वाले हेडशॉट के साथ हम नॉक कर देते हैं और इसको फिनिश कर लेते हैं। तो इसी के साथ जो है हमारा ये पहला मैच जो है भुया हो जाता है। और देख लेते हैं इस मैच में हमें कितनी प्लस मिलती है। तो इस मैच में मुझे मिलती है 32 की प्लस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। अब इस मैच में जो है नेक्स्टेरा आया होता है, और अगर आपको नहीं पता तो मैं जो है इसमें हमेशा रश टाउन की तरफ उतरता हूँ। तो रश टाउन पे उतरते ही जो है मेरे को यहाँ पे कोई बंदा तो नहीं दिखता, तो यहाँ पे जो है मैं आराम से लूट कर रहा होता हूँ। और थोड़ी देर जो लूटते लूटते मेरे को जो है आगे की तरफ एक बंदा दिखता है, जिसको जो है मैं डैमेज करता हूँ। और मेरे पे जो है एक दो वॉल ही होता है, और मैं आगे की तरफ तो बढ़ना नहीं चाहता था, और मेरे पे इतनी अच्छी लूट भी नहीं होती, तो मैं जो है उसे छोड़ देता हूँ और अपनी लूट में फिर से व्यस्त हो जाता हूँ। पहला जोन जो है खत्म हो जाता है, तो आगे की तरफ ही बिल्कुल जोन होता है, तो चलो उसकी तरफ बढ़ते हैं। एंड आगे बढ़ते बढ़ते जो है मेरे को एक बंदा दिखता है नीचे की तरफ, जिसको मैं जो है डैमेज करता हूँ, लेकिन वो जो है कवर में चला जाता है और फिर मेरे को वो जो है दिखता नहीं है। और मेरे पे जो है 900 टोकन भी हो रखे होते हैं, तो मैं जो है उसे छोड़कर जो है आरिसनल की तरफ बढ़ता हूँ। अब आरिसनल की खरीदने के बाद जो है मैं सीधा आरिसनल की तरफ बढ़ता हूँ, और यहाँ से जो है मेरे को लेवल 2 की M4A1 मिल जाती है, और मेरे पे एक चिप भी होती है, तो मैं लेवल 3 की M4A1 कर देता हूँ। और बाकी तो आपको पता ही है, लेवल 4 की वेस्ट वगैरह ये सब मिल जाती है। तो आगे की तरफ फिर जोन भी होता है, तो हम आगे वाले घर की तरफ बढ़ते हैं। अब यहीं पे जो है जोन होता है, तो मैं जो है पूरा यहाँ पे सर्वाइव करता हूँ। इतने में जो है नेक्स्ट जोन आ जाता है, और वो जो है मेरे से थोड़ा सा ही आगे है, तो आगे वाले घर में जो है मैं चला जाता हूँ, क्योंकि वो वाला घर बहुत ही सही है, और वहां से जो है मैं चारों तरफ देख के जो है कहीं ना कहीं किल निकाल पाऊंगा। अब यहाँ आते ही जो है मुझे आगे की तरफ एक बंदा दिखता है, जिसको जो है मैं तगड़े वाला डैमेज करता हूँ, लेकिन वो जो है वॉल लगा लेता है। अब यहाँ पे जो है मैं पूरी तरह होल्ड करता हूँ। अब एक और जोन जो है वो इसी घर के यहाँ बनता है, तो मैं पूरा होल्ड करता हूँ। इतने में मेरे को आगे बंदा दिखता है, जिसे मैं जो है डैमेज करता हूँ। यहाँ पे मेरा एक भी किल नहीं था, तो उसे मैं बुया करके ही जो है इस मैच से अच्छे प्लस निकाल सकता था। तो अब मेरे को पूरा होल्ड करके जो है बुया पे ही फोकस करना था। मैं जो है टॉप 10 में आ चुका था, और मुझे सामने की तरफ एक बंदा दिखता है, जिसे मैं हेडशॉट के साथ जो है भाई तगड़े वाला किल कर देता हूँ। और इसी के साथ जो है मेरा अब जाके एक पहला किल होता है। थोड़ी देर बाद जिस लड़के को जो है मैं वहां से डैमेज कर रहा था, वो जो है इस घर में आ जाती है लूटने के लिए, और मैं जो है भाई इसको इजी पीजी जो है M4A1 से बॉडी बॉडी करके जो है मार देता हूँ। और इसी के साथ जो है मेरे 2 किल हो जाते हैं। अब आगे की तरफ जो है जोन था, तो मैं फटाफट से जो है उसकी तरफ निकलता हूँ। और यहाँ पे जो है लूट किट भी थी वो गाड़ी वाले की, तो पहले जो है थोड़ा यहाँ से लूट लेता हूँ। थोड़ा सा जो है इसको लूटने के बाद जो है मुझे सामने की तरफ से एक बंदा मारता है, और इसको क्यों ही तगड़े वाला जो है M4A1 से हेडशॉट में मार देता हूँ। और इसी के साथ जो है मेरे 3 किल हो जाते हैं, और अभी भी जो है 4 बंदे बचे हैं, तो देखते हैं कितने हमारे किल निकल पाते हैं। अब आगे की तरफ जो है जोन था, और यहाँ से जो है रेड मार्क की आवाज आ रही थी, मतलब 2 बंदे आपस में भिड़ रहे थे, तो मैं उनकी तरफ चला जाता हूँ। और एक बंदे को भाई मैं सिर्फ 2-3 गोली में जो है खत्म कर देता हूँ, और इसी के साथ मेरे 4 किल हो जाते हैं। और सामने की तरफ भी मुझे जो है एक बंदा दिखता है, तो उसको जो हम डैमेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बंदा ना वहीं पे बहुत देर तक होल्ड करता है। एंड अब जो है थोड़ी देर बाद जो है वॉल लगा के वो आगे आ जाता है, और मैं भी जो है वो आखिरी बंदा था, तो उसकी तरफ रश कर देता हूँ।
और इस पे भी तात्सुया होता है और ये मेरे को भी बहुत तगड़ा वाला डैमेज कर देता है और ये मेरे पे फिर से रश करता है। तो यहाँ पे जो है मैं इसको तगड़े वाला हेडशॉट के साथ सोनिया बना देता हूँ और भाई थोड़ा सा मूवमेंट कर करके जो है किसी तरह ये बंदा जो है फिनिश हो जाता है और इसी के साथ जो है मेरा ये मैच भी भुया हो जाता है। तो इस मैच में देखते हैं हमारी कितने की प्लस होती है। तो इसी मैच के साथ जो है हमारी 25 की प्लस हो जाती है और 2 की स्ट्रीक। तो आज की इस वीडियो में गाइस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट कर देना वीडियो से रिलेटेड वो कोई टिप या सजेशन, या वीडियो अच्छे लगे तो बताना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, पीस आउट।